क्वेश्चन नंबर एक, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? इसका आंसर है अरबों के जरिए। क्वेश्चन नंबर दो, अरबों ने सिंध को कब जीत लिया? इसका आंसर होगा 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर तीन, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा किबला। क्वेश्चन नंबर चार, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? इसका आंसर होगा ईसा मसीह। क्वेश्चन नंबर पांच, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? इसका आंसर होगा बाइबिल। क्वेश्चन नंबर छह, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर। जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर ईसा मसीह के जन्मदिन को किसके रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है क्रिसमस के रूप में। क्वेश्चन नंबर आठ, ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर होगा जोसेफ। क्वेश्चन नंबर नौ, ईसा मसीह का माता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा मेरी। क्वेश्चन नंबर 10, ईसा ने अपने जीवन के प्रथम कितने वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए? इसका आंसर होगा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन कौन थे? इसका आंसर होगा एंड्रूस एवं पीटर। क्वेश्चन नंबर 12, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? इसका आंसर होगा रोमन गवर्नर पोंटियस ने।
क्वेश्चन नंबर 13, ईसा मसीह को कौन सा ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया? इसका आंसर होगा 33 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? इसका आंसर होगा क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 15, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? इसका आंसर होगा जरथुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 16, पारसी धर्म का शिक्षाओं का संकलन कौन सा ग्रंथ में है? इसका आंसर होगा जेंदा अवेस्था नामक ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 17, जिंदा अवेस्ता ग्रंथ किसका धार्मिक ग्रंथ है? इसका आंसर होगा पारसियों का। क्वेश्चन नंबर 18, जिंदा अवेस्ता ग्रंथ का मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। क्वेश्चन नंबर 19, इसके अनुयायी किसको एक ईश्वर के रूप में मानते हैं? इसका आंसर होगा अहुर को। क्वेश्चन नंबर 20, पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा अग्नि पूजक। क्वेश्चन नंबर 21, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 22, मगध की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा गिरिव्रज, यानी इसका दूसरा नाम राजगृह भी है। क्वेश्चन नंबर 23, बृहद्रथ का पुत्र कौन था? इसका आंसर होगा जरासंध। क्वेश्चन नंबर 24, हरियंक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कौन सा ईस्वी पूर्व में बैठा था? इसका आंसर होगा 544 ईसा पूर्व।
क्वेश्चन नंबर 25, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर कौन सा राज्य को मगध में मिला लिया? इसका आंसर हो जाएगा अंग राज्य को। क्वेश्चन नंबर 26, बिम्बिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? इसका आंसर होगा 52 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने किसको भेजा? इसका आंसर होगा राजवैद्य जीवक को। क्वेश्चन नंबर 28, बिम्बिसार ने किस किस के साथ विवाह की? इसका आंसर होगा महाकोशला, चेलना और झेमा से शादी की। क्वेश्चन नंबर 29, बिम्बिसार की हत्या किसने कर दी? इसका आंसर होगा उसके पुत्र अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 30, अजातशत्रु ने कितने ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा? इसका आंसर होगा 493 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 31, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? इसका आंसर होगा कोनिक। क्वेश्चन नंबर 32, अजात शत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? इसका आंसर होगा 32 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? इसका आंसर होगा वरस्कार। क्वेश्चन नंबर 34, अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की? इसका आंसर होगा वरस्कार की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 35, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? इसका आंसर होगा 461 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 36, हरियंक वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर होगा उदयन का पुत्र नागदशक। क्वेश्चन नंबर 37, नागदशक को उसके अमात्य शिशु नाग ने कितना ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशु नाग वंश की स्थापना की? इसका आंसर होगा 412 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 38, शिशु नाग का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 39, शिशु नाग वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर होगा नंदीवर्धन।
क्वेश्चन नंबर 40, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा महापद नंद। क्वेश्चन नंबर 41, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा घनानंद। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को युद्ध में पराजित करके वह मगध पर कौन सी वंश की स्थापना की? इसका आंसर होगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 43, सिकंदर का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ? इसका आंसर होगा 356 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 44, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा फिलिप। क्वेश्चन नंबर 45, फिलिप मकदुनिया का शासक कब बना? इसका आंसर होगा 359 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 46, फिलिप की हत्या कब कर दी गई? इसका आंसर होगा 329 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 47, सिकंदर किसका शिष्य था? इसका आंसर होगा अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 48, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कितना ईसा पूर्व में प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 49, सिकंदर का सेनापति कौन था? इसका आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 50, सिकंदर को किसके साथ युद्ध करना पड़ा? इसका आंसर होगा पंजाब के शासक पोरस के साथ। चलिए 50 क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए थे वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगले 50 क्वेश्चन के लिए कल अगला वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी जरूरतमंद का चीज लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अगर वीडियो बनाऊं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।